हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सीमा और सीमा की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे झींगा तोरी का सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं 4-5 झींगा तोरी ले ली हूँ। ये आधा किलो झींगा तोरी है। तो इसको हम अच्छे से पहले इसको छीलेंगे। तो आइए उसके छील लेते हैं। तो इसको मैं 2 पार्ट में काट दूँगी बीच से। बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है इसका। ये आसानी से इसका छिलका भी हट जाता है, बहुत मुलायम होता है। तो चलिए हम इसको अच्छे से पहले छील लेते हैं। तो ऐसे ही हम सारे को छील लेंगे। तो देख सकते हो इतना अच्छा हमारे छिल गया। तो यहीं पे दूसरे वाले को भी छील लेंगे, ऐसे ही सबको छील लेंगे। तो हमारा दूसरा वाला भी छिल गया। तो चलिए काटते भी इसे चीरा लगा के, और इसका 1 का 2 पीस कर देंगे। देख सकते हो ऐसा ही आप काट ले छोटे छोटे पीस में। तो हम सबको ऐसे ही काट के रेडी करेंगे। देखिए मैंने सबको काट के रेडी कर लिया, और एक यहाँ पे प्याज भी काट लिया है। चलिए मसाला पीस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलबट्टे पे ले रही हूँ 4-5 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी लाल मिर्च 4-5, साबुत है 1 चम्मच हल्दी है, और 2 चम्मच पीला सरसों, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एकदम मछली स्टाइल बनता है ये झींगा तोरी का सब्जी। तो इसको हम पहले पीस लेंगे अच्छे से। सिलबट्टे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप सिलबट्टे पे मसाला पीसे, बहुत मिक्सी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये सिलबट्टे का जो मसाला होता है। तो यहाँ पर मैं मसाला भी रेडी कर चुकी हूँ, इसको उठा लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैं उठा चुकी हूँ सारे मसाले को। देखिए हमने यहाँ पे झींगा तोरी को अच्छे से धुल लिया। यहाँ पे प्याज को बारीक काट लिया है, और यहाँ पे स्वादानुसार नमक, और ये जो हमने मसाले रेडी किया था वो। अब चलिए कढ़ाई के साइड चलते। तो हमारा तेल गर्म हो गया, 2 बड़ी चम्मच गर्म किया। यहीं पे थोड़ा सा पीला सरसों डाल दी थी जो अभी चटक गया है। तो यहीं पे प्याज डाल देंगे, और थोड़ी देर के लिए प्याज को भूनेंगे। तो देख सकते हो हमारा प्याज भी भुन रहा है। तो भुन गया हमारे प्याज। तो यहीं पे मैं डाल दूँगी सारा झींगा तोरी। ये देखने में इतना ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये गल जाएगा और आधा हो जाता है गलने के बाद ये सब्जी। लेकिन खाने में बहुत ही मस्त बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पे हम डाल देंगे नमक और मसाले। ये सब्ज़ी बहुत ही झटपट बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं मसाले को मिक्स करते हुए इसको अच्छे से भून रही हूँ। इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे हम पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी निकलता ही है इस सब्ज़ी से ही। तो इसको ढक ढक के पकाएंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो हमारा सब्ज़ी कितना अच्छा से पक रहा है। इसको चला देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा सब्जी पक गया है कि नहीं। तो देख सकते हो हमारा सब्जी पक भी गया है अच्छे से। तो चलिए यहीं पे प्लेटिंग कर